तो हेलो भाई लोग, कैसे हो? मेरा नाम है अविनाश और मैं आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे खुद के यूट्यूब चैनल पर धाकड़ रूप है। और आज मैं साउथ की मूवी लेके आया हूँ जिस मूवी का नाम है ललितम सुंदरम। और इस मूवी को हमें देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, और ये मूवी हम कैसा क्या नया दिखाती है, और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस मूवी को देखते समय, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले। तो आइए रिव्यू शुरू करते हैं। और ये मूवी रिलीज हुई थी 2022 में, और इस मूवी का जॉनर है ड्रामा। और इस मूवी को IMDb पे 7.6 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 की, और गूगल यूजर पे इसे 86% के स्कोर दिए। भाई इस मूवी की IMDb रेटिंग पे बिल्कुल मत जाना, भाई रेटिंग भले ही बढ़िया है लेकिन यार मूवी में कुछ नया नहीं होने वाला है। और इस मूवी का डायरेक्शन क्या है, मधु वॉरियर ने। और इस मूवी की कास्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे मंजू वॉरियर, विजू मेनन, अनूप मोहन और संजू करू। और ये मूवी भाई एक एवरेज मूवी होने वाली है। ये मूवी भाई कुछ लोगों को पसंद आएगी और कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगी। और अगर आपको हम साथ साथ है या आपको सीरियल देखना पसंद है ना, तो ये मूवी एक मास्टरपीस मूवी होने वाली है। अदरवाइज भाई इस मूवी को आप स्किप कर सकते हो। और ये मूवी ना भाई किसी भी एंगल से यूनिक नहीं लगती। और इस मूवी को देखने के बाद ना भाई इस मूवी से उम्मीद नहीं थी कि इस मूवी में ये सब होगा। और ये मूवी भाई किसी भी एंगल से ना आपको एंटरटेन नहीं करती। और ये पूरी मूवी ना भाई एक परिवार के इर्द गिर्द घूमते है, जिसमें ना भाई तीन भाई बहन होते हैं, दो भाई होते हैं और एक बहन होते हैं। और उनकी माँ की ना बरसी आती है, तो वो तीनों पर्सन ना अपनी फैमिली के साथ ना अपने फादर के घर जाते हैं एक हफ्ते के लिए अपनी माँ की बरसी बनाने के लिए। लेकिन जब तीनों फैमिली वहाँ पे आ जाती है ना, तो किस किस इशू को लेके लड़ाई होती है, सारी चीजें आपको उस मूवी में देखने को मिलेगी। और ये मूवी भाई आपको इम्प्रेस नहीं कर पाती, और मूवी अपने प्लॉट को लेके भाई सीरियस नहीं रहती है। और मूवी की जो स्टोरी है ना भाई एकदम सिंपल है, और मूवी में आपको भाई ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। और अगर इस मूवी में कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करें ना, तो इस मूवी में मंजू वॉरियर का कैरेक्टर देखने को मिलेगा। और अगर मंजू वॉरियर के कैरेक्टर की बात करें ना, तो भाई उसकी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है, और लक्ष्य ना भाई हमेशा उसका साथ देता है, जिसकी वजह से आज वो सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन के तौर पे भाई सोसाइटी में जानी जाती है। लेकिन भाई इतना पैसा होने के बावजूद भी ना भाई वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाती, और वो भाई कितनी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर रही होती है, सारी चीजें आपको उस मूवी में देखने को मिलेगी। और मूवी में भाई आपको बिजू का कैरेक्टर देखने को मिलेगा, जो भाई फैमिली में ना सबसे बड़ा लड़का है, और वो हमेशा ना अपनी लाइफ में स्ट्रगल करता है, और जो भी बिजनेस खोलता है ना भाई वो किसी ना किसी कारण की वजह से ना बंद हो जाता है, और वो कहीं ना कहीं एक फेलियर कहलाता है। लेकिन वो भाई कभी हार नहीं मानता, और वो अपने बिजनेस के बारे में सोचता रहता है कि मैं ये बिजनेस खोलूं तो ये चल जाएगी। लेकिन इसी फेलियर की वजह से ना भाई इसकी बीवी इसे छोड़ के चली जाती है, ये छोड़ के जाने का कोई और रीजन होता है, ये सारी चीजें आपको उस मूवी में देखने को मिलेगी। और भाई मूवी में अनु मोहन का कैरेक्टर देखने को मिलेगा, जो घर में ना भाई सबसे छोटा है, और उसको ना भाई सिंगिंग करने का बहुत शौक होता है। लेकिन भाई वो एक रियलिटी शो में भी जाता है, लेकिन वहां पे ना उसका सपना टूट जाता है, और वो सपना टूटने के पीछे ना भाई किसका हाथ होता है, और उसके सपने टूटने की वजह से ना भाई उसको एक बीमारी भी हो जाती है, और आगे जाके भाई उसकी एक गर्लफ्रेंड बनती है, और वो भाई कौन होती है उसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। और वो हमेशा भाई अपने प्यार को लेके सीरियस नहीं होता, लेकिन भाई इस बार वो सीरियस होता है, क्योंकि जिससे वो प्यार करता है ना भाई उसको वो छोड़ना नहीं चाहता। भाई मूवी से कनेक्ट होने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और मूवी में भाई कोई ऐसी स्पेशल चीज नहीं कि जिसकी वजह से भाई आपको ये मूवी देखनी हो। और अगर आप एक फैमिली मूवी चाहते हैं जो थोड़ा एंटरटेन करे और फैमिली के साथ बैठ के देख ले, तो भाई ये मूवी एक मास्टरपीस मूवी होने वाली है, क्योंकि इस मूवी में आपको कोई गाली गलौज कोई एडल्ट सीन देखने को नहीं मिलेगा। इस मूवी में भाई आपको वही चीज देखने को मिलेगी जो भाई आपके घर में भी चलती है, छोटे छोटे इशू को लेके भाई कैसे कैसे बड़ा बवाल हो जाता है, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। ये मूवी ना भाई ट्रेन के हिसाब से ना थोड़ी आउटडेटेड है, और भाई डायरेक्टर ने भाई अपना दिमाग लगाने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं ना कहीं थोड़ा फेल हो जाते हैं। और ये पूरी मूवी ना भाई 2 घंटे के आसपास की है, और इस मूवी को देखने के बाद ना भाई मैं कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट हुआ हूँ। तो भाई इस वीडियो में इतना आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, इस मूवी को देखने का ना आपका मजा खराब हो जाएगा। और अगर ये मूवी आपने देखी तो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, और इस मूवी का लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो भाई इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज भाई वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और मेरा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।